हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हुई है जिन्हें देखकर नासा खुद हैरान है। फॉर एग्जांपल हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात कर लो, रिसेंटली पृथ्वी के कुछ 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर 6 गैलेक्सीज की लाशें ऑब्जर्व की गई और देखने में ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मांड के किसी वायलेंट प्रेडेटर ने उनके अंदर से पूरी एनर्जी को निचोड़ लिया हो, डेड गैलेक्सीज बनाकर छोड़ दिया हो। बट यू सी दैट्स नॉट स्ट्रेंज, क्योंकि अभी जस्ट 2018 में अब तक की सबसे ब्राइटेस्ट गैलेक्सी W2246D526 एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन गैलेक्सीज को एक साथ निकलती हुई दिखाई दी थी। एंड सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं होना एक आम सी बात है। ऑफ कोर्स वो जो अब हमारे गैलेक्सी के साथ भी घट रहा है। According to recent estimates, हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी किसी इनविजिबल से ऑब्जेक्ट की तरफ करीब 2.2 मिलियन किलोमीटर्स पर आर की रफ्तार से खींची चली जा रही है। एंड यू नो व्हाट स्ट्रेंज, ये उस वैल्यू से 1.8 लाख किलोमीटर ज्यादा है जितनी ओरिजिनली होनी चाहिए। यस दैट्स करेक्ट, कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ थियरीज है जो इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक थियरी है डार्क फ्लो थियरी। ये डार्क फ्लो थियरी डार्क फ्लो नाम के एक मिस्टीरियस फिनोमेनन के बारे में बात करती है जो कि एक बहाव है जो अपने साथ ये सारे गैलेक्सीज को लेके जा रहा है। ये एक ऐसा बहाव है जिसके ग्रेविटेशनल पुल का भी कोई सोर्स नजर नहीं आता। सो इज दैट इट, क्या ये डार्क फ्लो वही चीज है जो 6 गैलेक्सीज का शिकार करने के बाद अब मिल्की वे को अपने पेट में निगलने के फिराक में है? वेल फ्रेंड्स, देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ Eating का literal meaning होता है to affect something by causing gradual destruction. अब अगर इस definition के हिसाब से आप देखोगे, then the answer is yes. अभी अगर आज की बात करें तो फिलहाल में मिल्की वे सेफ नजर आ रहा है, बट जिस तरह की अजीबोगरीब चीजें उसके अंदर और उसके अराउंड घट रही है, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि मिल्की वे अपने तबाही के रास्ते पे चल रहा है। अभी रिसेंटली 2020 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एक फिजिक्स पीएचडी स्टूडेंट जिटेंग वोंग ने ऑस्ट्रेलिया के एस्कैप रेडियो टेलीस्कोप के डेटा को क्लासिफाई किया, तो ही ऑब्जर्व्ड दैट समहाउ टोटल 2 मिलियन ऑब्जेक्ट्स जिनके रेडियो सिग्नल्स उन्होंने डिटेक्ट किए थे, उनमें से एक के सोर्स का तो कोई अता पता ही नहीं था। उन्होंने लिटरली उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को विजुअली भी लोकेट करने की कोशिश की, बट समहाउ एक्सरे हो, विजिबल हो या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, मानो वो हर तरह की लाइट में भी अदृश्य ही रहा। और ये सब कुछ हमारी गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच रहते हुए, तो बाहर की चीजों का तो छोड़ ही दो, अब जरा मिल्की वे के सेंटर की दिशा में हम और आगे देखने की कोशिश करते हैं, बियॉन्ड द मिल्की वे टू बी एलैबोरेट। तो यहां पर फिर से द जोन ऑफ अवॉइडेंस पड़ता है। डेंस गैसेस और डस्ट से भरा हुआ मिल्की वे का वो हिस्सा जो विजिबल लाइट को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देता, और इसीलिए ब्रह्मांड के उस कोने में घटने वाली चीजें ज्यादातर हमारी नजरों से छूट जाती है। मिसाल के तौर पर लंबे समय तक साइंटिस्टों को यह लगता था कि हमारी गैलेक्सी जस्ट यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से मूव कर रही है, जबकि ZOA की दिशा में हुए कुछ रीसेंट एक्सरे और रेडियो ऑब्जर्वेशंस अब ये साफ साफ कहते हैं दैट हम अलोंग विद सम ऑफ आवर नेबरिंग गैलेक्सीज किसी अननोन सोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, अब वो क्या चीज है वो एग्जैक्टली हमें अभी तक पता नहीं। इनफैक्ट इसी वजह से उस पूरे रीजन को इन जनरल नाम दे दिया गया है द ग्रेट अट्रैक्टर। बट लेट मी टेल यू, एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा अभी भी कोशिशें जारी है उस रीजन के ग्रेविटी सोर्स को आइडेंटिफाई करने की। लेट मी टेल यू व्हाई, द रीजन इज बिकॉज जब हम हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी नेबरिंग गैलेक्सीज के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं तो वो सबसे पहले हमें वर्गो क्लस्टर की ओर मूव होते हुए दिखाई देते हैं, बट देन जब हम उन्हें प्रेसिजन के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि वर्गो क्लस्टर तो खुद लानिया किया सुपर क्लस्टर की सेंटर की ओर मूव कर रहा है। अब ऑब्वियसली ऐसे में कोई भी ये सोचेगा कि शायद फिर लानिया किया के सेंटर में ही कहीं वो मैसिव ग्रेट अट्रैक्टर नाम का सुपरस्ट्रक्चर मौजूद होगा जो मे बी अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल से सभी गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा होगा। बट देन अगेन यही तो गड़बड़ है। लानिया किया कि ग्रेट अट्रैक्टर सेंटर में बस एक मैसिव स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, द नॉर्मा क्लस्टर, जो करीब 1000 ट्रिलियन सन्स या यू कहूं तो कुछ 1000 गैलेक्सीज इतना भारी है। अब आई नो दैट्स रियली मैसिव राइट, बट क्या सच में? क्योंकि यू सी इस ब्रह्मांड में कई बार कहीं कुछ गैलेक्सीज खुद एक दूसरे को निगलते हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर ब्लैक होल्स खुद स्टार्स को इजेक्ट आउट करते हुए दिखाई देते हैं। यानी टेक्निकली अगर यूनिवर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए तो हर दिशा में हमारा ब्रह्मांड स्ट्रेंज और यूनिक है, और इस पूरे कॉस्मिक केओस में हमारे मिल्की वे के साथ जो घट रहा है इट्स जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ द स्ट्रेंजनेस। लेट मी एक्सप्लेन यू मोर। देखो ओरिजिनली हम जिस ग्रेट अट्रैक्टर उसके सेंटर में स्थित नॉर्मा क्लस्टर को सारे ग्रेविटेशनल पुल की जड़ समझ रहे हैं,
अब पता चला है कि पूरा ग्रेट अट्रैक्टर रीजन अलोंग विद द नॉर्मा क्लस्टर इतना मास होल्ड नहीं करता कि लानिया किया सुपर क्लस्टर की सभी गैलेक्सीज को अपने पास खींच सके। इस टग ऑफ वॉर में इनफैक्ट जोर तो ग्रेट अट्रैक्टर के पीछे से कोई और ही लगा रहा है। जानना चाहोगे कौन? वेल, जरा इन इमेजेस पर नजर डालो। जो लोकल ग्रुप लिखा है ना, दैट्स वी, वो हम है एंड वी आर इन लानिया किया सुपर क्लस्टर। अब एज यू कैन सी, ऐसी पोजिशन में जाहिर सी बात है हमें ऐसा लगेगा एज इफ सभी गैलेक्सीज ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बढ़ रही है। बट अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखोगे तो ये पता चलेगा कि असल गैलेक्सीज का फ्लो तो उसके पीछे जा रहा है, टूवर्ड्स द शेपली सुपर क्लस्टर। इनफैक्ट इस मूवमेंट की वजह से शेपली के ऑपोजिट बन रहा लो डेंसिटी डायपोल रिपेलर रीजन भी इसी बात का सबूत है कि हाँ, ये सब शेपली का ही किया धरा है। या बिल्कुल वही शेपली जो अपने अंदर ग्रेट अट्रैक्टर के नॉर्मा क्लस्टर से भी 10 गुना ज्यादा मास अपने अंदर छुपा के बैठा है। सो डज दैट मीन कि अब सब कुछ खत्म, ऑल इज ओवर? वेल नो। देखो, शेपली सुपर क्लस्टर ऑलमोस्ट हर मायने में फिट बैठता है गैलेक्सी खाने वाले उस हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन में जिसकी हमें तलाश है। बट उसी के विपरीत कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हैं जो फिट नहीं बैठते। मिसाल के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारी मिल्की वे यूजुअल से करीब 1.8 लाख किलोमीटर पर आवर तेजी से आगे बढ़ रही है। बट ग्रेट अट्रैक्टर की ग्रेविटी, बगल में मौजूद वर्गो क्लस्टर की ग्रेविटी, यूनिवर्स का एक्सपेंशन और अभी शेपली की ग्रेविटी, इन सब को जोड़ने के बाद भी मिल्की वे की नेट velocity justify नहीं हो रही है। कुछ amount of mass is still missing, probably something even beyond Shapley. नहीं समझे? ऐसे conclusions कैसे निकले? देखो, ऑस्ट्रेलिया में स्थित पार्किस रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली 883 गैलेक्सीज को डिटेक्ट किया था। बट सरप्राइजिंगली हमसे सिर्फ 250 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद भी उनमें से एटलीस्ट 1/3 गैलेक्सीज हमारे लिए कंप्लीटली नए थे। अब ऐसा क्यों? सिंपल, द जोन ऑफ अवॉइडेंस। एज आई सेड अर्लियर, मिल्की वे का जोन ऑफ अवॉइडेंस रीजन हमारे व्यू के एक बहुत ही बड़े हिस्से को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से उस दिशा में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे नजरों के सामने कभी आती ही नहीं। एंड माइंड यू, ये हाल तब है जब हम आज 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद HD1 गैलेक्सी को भी साफ साफ देखने की काबिलियत रखते हैं। मीनिंग, जस्ट इमेजिन, हमारे आसपास मौजूद कितनी चीजों का हमें आइडिया ही नहीं है, जबकि वो अपनी मैसिव ग्रेविटी से हमारे मिल्की वे और उसके अंदर सारे सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो डज दैट मीन कि वो एक्स्ट्रा बूस्ट जो हमें मिल रही है वो इन्हीं हिडन गैलेक्सीज की देन है? वेल, Absolutely not. I mean, हाँ, obviously ऐसा possible था अगर कुछ 100 की जगह पर 1000 बड़ी galaxies एक साथ मिल्की वे को influence करती। But फिलहाल अगर शेपली ग्रेट अट्रैक्टर और ऐसे आस पड़ोस के अन्य छोटे बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स को साइड में रखें, तो इतनी अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्रेविटी सिर्फ एक ही चीज में नजर आती है, द न्यूली डिस्कवर्ड वीला सुपर क्लस्टर। एक्चुअली शेपली सुपर क्लस्टर जहाँ पृथ्वी से करीब 650 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है, वहीं वीला सुपर क्लस्टर लाइज इवन बियॉन्ड, यानी कि पृथ्वी से करीब 840 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। You know what's more interesting? Vela Super Cluster में जितने galaxies अब तक detect हुए, उनके combined estimated mass के basis पर वो हमारे local group या more specifically हमारे Milky Way को at least 50 kilometers per second की additional boost देता है। Now कोई guess माना चाहेगा कि kilometers per second को kilometers per hour में convert करने के बाद इसकी value कितनी बनती है? Yep, 1.8 लाख किलोमीटर पर आर, यानी एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू जो अब तक पिक्चर में मिसिंग थी। इन शॉर्ट, किसी इन्फिनिट जूम स्केच की तरह लानिया किया से ग्रेट अट्रैक्टर, ग्रेट अट्रैक्टर से नॉर्मा और नॉर्मा से शेपली तक पहुंचने के बाद गैलेक्सीज के सबूत निकलने की कोशिश असल में वीला सुपर क्लस्टर कर रहा है। बट इज इट रियली ट्रू? I mean, yes, Vela Supercluster हमारी सभी calculations को fulfill करता है, but at the same time, इसे just अभी हमने discover किया है, और इसी वजह से उसकी exact size we still don't know. Meaning, जो भी calculations है, वो estimated value के basis पर किए गए हैं, and because of this, astronomers ने अभी भी dark flow की possibility को जिंदा रखा है. असल में, other than our own Milky Way, कुछ galaxies ऐसी भी है, जिनकी movement को उनके आस पड़ोस के galaxy clusters से जोड़ने में दिक्कत आ रही है.
वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो कोई सुपर क्लस्टर उन्हें अपनी ग्रेविटी से खींच तो रहा है, बट देन व्हेन यू लुक एट इट देयर इज नथिंग। इन फैक्ट अभी रिसेंटली जब नासा के गुडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एस्ट्रोनॉमर्स ने करीब 5 सालों तक 1000 क्लस्टर्स को कंटीन्यूअसली एनालाइज किया, तब उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड में करीब 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक डीप ट्रैकिंग करने के बाद भी कुछ गैलेक्सीज की डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी मैसिव क्लस्टर की ग्रेविटी इफेक्ट से मेल ही नहीं खाती। ऐसे गैलेक्सीज पहले ग्रेट अट्रैक्टर की दिशा में मूव करते नजर आते हैं, बट देन हाइड्रा सेंटॉरस कॉन्स्टिलेशन की दिशा में अचानक से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली किसकी तरफ, नोबडी नोस। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि ये जस्ट एक तरह का मैमक्विस्ट बायस हो, जिसमें हम गलती से ब्राइट गैलेक्सीज को नजदीक और डिम गैलेक्सीज को दूर मानकर उनकी मूवमेंट को ट्रेस करने में ऑब्जर्वेशनल एरर्स कर रहे हैं। बट देन अगेन, अगर ये सब ऑब्जर्वेशनल एरर्स है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सारे गैलेक्सीज किसी ऑब्जेक्ट से खाए ही नहीं जा रहे हो। आई मीन रिसेंटली एक रिसर्च में ये सामने आया कि सीफर्ड गैलेक्सीज जिनके सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल्स उन पर एक्टिवली फीड कर रहे होते हैं, वो इनफैक्ट तब तेजी से मरते हैं जब उनका SMBH खाना पीना छोड़कर इनएक्टिव बन जाता है। सो इसी के बेसिस पर व्हाट इफ नाउ फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो कुछ भी डिस्कस किया वो बस सिर्फ एक इल्यूजन हो, आपकी इस बारे में क्या राय है? Well, लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।